हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है टैप रूट और फाइबरस रूट के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रूट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टैप रूट एंड सेकेंड फाइबरस रूट। फर्स्ट टैप रूट, इन दिस सिस्टम देयर इज ए मेन रूट विच गोस डीप inside the soil and has some small roots branching out of the main root to give extra anchorage। तो यहाँ पे अगर बात करें टैप रूट की, तो यहाँ पे एक मेन रूट होती है जो धरती के अंदर काफी गहराई से धसी होती है और उसके साथ साथ छोटी रूट्स भी इसके इसको सपोर्ट करती है और पौधे को खड़े करने में सहायता देती है। तो चलिए इसको हम जरा चित्र से समझते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेन रूट है, उसके साथ साथ छोटी छोटी जो है रूट्स और भी है। इस तरह की रूट को हम टैप रूट कहते हैं, जैसे कि हमने आपको रेड सर्कल में दिखा रखा है। फर्स्ट तो यहाँ पे हम बात करेंगे टैप रूट के एग्जाम्पल के बारे में, तुलसी, मस्टर्ड, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो यहाँ सेकेंड फाइबरस रूट, इन दिस अरेंजमेंट देयर इज no main root, a number of fine and long roots shoot out of the base of stem and spread out in the earth, this gives support to the plant। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस रूट की बात करें तो यहाँ पे इसकी मेन रूट नहीं होती और इसकी काफी फाइन और लंबे में होती है और ये चारों तरफ से एक तरह से फैली होती है। तो चलिए इसके थोड़ा हम चित्र से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्र, तो उसके यहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं है और लगभग ये पूरी तरह से फैली हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है आपको, लाल सर्कल में हमने दिखा रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की ओर। तो उसके एग्जाम्पल है मेज, वीट एक्सेट्रा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं।